मनों को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे दिल में गहरी जड़ पकड़े। हालेलुया, आमेन। ऐसा लग रहा है हम लोग काफी तनाव में है, टेंशन में है, दबाव में है। नहीं, आज जितने भी टेंशन है, आपकी चिंताएं हैं, हो ना, हो सकता है आपकी नौकरी, आपके काम के लिए, आपके परिवार, बच्चों के लिए चिंता हो, भविष्य के लिए चिंता हो, आज ईशु को सौंप दे और वो उसके बदले में आपके दिल को चैन, शांति, विश्राम देगा। हालेलुया। इसलिए ईशु निमंत्रित करता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, वो हमारा बोझ उठाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह यदि आज दिल आपका भारी है, किसी बात के लिए किसी ने कुछ कह दिया आपको, आपको बुरा लगा, आपका दिल जख्मी हो गया, वो पीड़ित हो गया, आज यीशु कहते हैं मैं उसे चंगा करूंगा। काफी दिन हो गए थे बाइबल क्विज नहीं हुई थी, तो मैं दो बाइबल पहेली पूछूंगा, पहली पहेली और दूसरी पहेली। दूसरी पहेली में वहां पर आपको मेरे आज संदेश का विषय शीर्षक भी आपको मिल जाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहला बाइबल क्विज, बाइबल की प्रश्न ये है, ध्यान से सुनेंगे और जिनको आता है सबसे पहले अपना हाथ उठा ले, मुंह से ना बोले, ठीक है। और मेरे पास आपके लिए सुंदर सा इनाम भी है, ये हैंड बैंड है हाथ में पहनने के लिए, है ना, फर्स्ट और सेकंड लोगों को मिलेगा, तो आप में सबों को मौका है, अपना हाथ उठाएं। मेरे प्रियो, हमने नूह के बारे में पढ़ा है बाइबल में, उत्पत्ति में दिया हुआ है। नूह जब जल प्रलय आया, बाढ़ आई, फ्लड आया दुनिया में, तो परमेश्वर ने उसको बोला था जहाज बना लेना पहले से, और उसमें वो अपना परिवार समेत, जीव जंतुओं समेत चला गया। मेरा प्रश्न यह है कि वो जहाज में जब बाढ़ आ गई, ध्यान से सुने, कितने दिनों तक वो जहाज में अंदर रहा। मैं अपने परिवार वालों को सिर्फ में ये भाई ने दिया और ये बहन ने, हाँ दोनों खड़े हो जाए, बताइए, डेढ़ सौ दिन बता रहे हैं ये, हाँ बहन आप बताइए, क्यों से 40 दिन, नहीं, हाँ भाई बताइए, नहीं। मेरे प्रियो, एक अद्भुत बात है, 40 दिन तक तो पानी गिरता रहा, है ना, 40 दिन आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, 40 दिन तक पानी गिरता रहा, मगर आप घर में जाके पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय और उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय, वहां दिया हुआ है 1 साल, कितने, 1 साल 10 दिन वो जहाज के अंदर रहा। सोचिए मेरे प्रियो, 1 साल 10 दिन, उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय और उत्पत्ति की किताब 8वें अध्याय में दिया हुआ है। तो ये मेरा सुंदर हैंडबैंड रह गया है, अगली बार और कुछ प्रश्न होगा तो आप इसे जीतने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। दूसरा प्रश्न जो आज मेरे संदेश का शीर्षक है, सबसे पहला पाप किस क्रिया के साथ हुआ। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को, पहले नर और नारी को बनाया, उनको अदन की वाटिका दिया कि उनको उसकी देखभाल करे और कुछ आज्ञा दे दी उसको, है ना, तो मेरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहला पाप दुनिया में आया वो किस क्रिया से आया, क्या करने से आया। मैं अपने परिवार वालों से तो नहीं चाहूंगा, आप लोगों से चाहूंगा, हाँ सिस्टर शांति बताइए, खाना ताली बजाइए, हालेलुया, सिस्टर शांति आपको ये बैंड मिल जाएगा, आइए। हमारे पास्टर संजय से रिक्वेस्ट है इनको बैंड दे, हालेलुया। और आपने इतना सुंदर पहले बताया, आपकी बेबी के लिए भी ये वो आपके लिए है, पास्टर अच्छा उनकी बेबी के लिए दे दीजिए।
खाना है ना, खाना क्या किया हवा ने, जो फल को खाने के लिए मना किया था वो फल खा लिया हवा ने। मेरे प्रियो, जब मैं पांचवी छठवी में पढ़ रहा था सेटिफाइड स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, हमारे यहाँ एक क्रिश्चियन मैडम थी। क्रिश्चियन लोग मसीह टीचर कम रहते हैं तो हम उनको बड़े आदर से देखते थे, और जब स्कूल छूटता तो उनके हस्बैंड आते थे 80 का 80 की बात है बुलेट में, और उनकी पर्सनालिटी जो थी वो कोई बॉडी बिल्डर जैसी थी, एकदम तगड़े तगड़े एकदम मोटे मसल्स और बुलेट चलाते थे। मेरे प्रियो, हम भी उनको देखते थे, उनका बॉडी बिल्डर, और क्या बॉडी बिल्डर है। साल बीतते गए, 5-6 साल बाद सुना वो ब्रदर को पेट का कैंसर हो गया। दुख लगा है, कैसे हो गया, इम्पॉसिबल, अविश्वसनीय, कैसे हो गया, इतने अच्छे हट्टे कट्टे दिखते थे, बुलेट चलाते थे, बॉडी बिल्डर, कैसे पेट का कैंसर हो गया। एक बार मुलाकात हुई, एकदम दुबले पतले हो गए, पता चला कि पेट का कैंसर क्यों हुआ। वो शिकार के शौकीन थे, जंगलों में जाते शिकार करते, पक्षियों का, प्राणियों का, जानवरों का, हिरण का, इसका उसका, और वो खाते। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब 3:6 में दिया हुआ है, हवा ने जो फल को देखा, पढ़ ले उत्पत्ति की किताब 3:6। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव है, जी क्या खाने में अच्छा और देखने में मन भाव है, देने के लिए जाने योग्य है, हाँ, उसने क्या कर लिया, खा लिया। वाह मेरे प्रियो, बाइबल में और भी बातें बताई गई है जो हमारे खान पान से रिलेटेड है। जो पहला पाप आया खाने की क्रिया के कारण, हवा पाप में पड़ गई, और आज मेरे प्रियो बड़ा दुख लगता है। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले यहाँ फिलाइस्टी प्लांट में एक जनरल मैनेजर, मसीह के जनरल मैनेजर, एक बड़ी पोस्ट रहती है, तो उनका देहांत हो गया, वो गुजर गए, केवल 50-55 साल की उम्र थी। मेरे प्रियो, मेरा उनका परिवार के साथ एक संबंध, अच्छा संबंध था, और मैं जानता हूं उनकी जो खाने की आदतें थी, उनके बच्चे 11-12 में पढ़ रहे हैं, आज वो बिना पिता के हो गए। क्यों गुजर गए वो, उनके उन्होंने बताया कुछ दिनों पहले उनके पैर में ऐसा घाव हो गया था, कार नहीं चला पा रहे थे, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, और बच्चों के बारे में वो खाने के लिए रोज KFC से, केंटकी फ्राइड चिकन से ऑर्डर करते, मटन चाहिए, कबाब चाहिए वाला बॉम्बे वाला रेस्टोरेंट, ढाबे से, ऐसा कर करके वो अपने आप को मेरे प्रियो बीमारियों का घर बना ले रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 3:16-17, ये जो शरीर आपका है, पढ़ लीजिए क्या है वो, 1 Corinthians 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो जी, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है। आमीन, हालेलुया। आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। आमीन, मेरे परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम, मेरे प्रियो आकाश भाई, सुरजीत ब्रदर, आपका जो मंदिर है मेरे भाइयों बहनों, आपका ये जो शरीर है ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें बसता है, और लिखा हुआ है जो कोई अपने शरीर को नाश करेगा परमेश्वर क्या करेगा, उसको नाश
मेरे प्रियो, ऐसा मैं ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अपने रिश्तेदारों में, परिवार में, समाज में ऐसा अनुभव किया होगा। ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो अपने खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रखते, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का शिकार हो गए। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे और भी दूसरी सुंदर बातें जो पौलुस कहता है, पौलुस सबसे अच्छा यीशु का अनुयायी बना, प्रचारक बना, प्रेरित बना, वो कहता है पहला कुरिन्थियों 9:27, पहला कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो क्या कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। मैं सोचने लगा ऐसा वो क्यों कह रहा है, क्या मारता कूटता होगा अपनी शरीर को, अपनी देह को? उसकी शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का भवन, वो पढ़ा लिखा विद्वान था। और एक और वचन वो कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:31, पहला कुरिन्थियों 15:31। हे भाइयों, मुझे उस भवन की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्या कहता है वो पौलुस, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। किस लिए मरता है वो? अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए। उसकी भी इच्छा होती होगी सुबह से उठ के मैं आलू पराठे खाऊं, 11 बजे मैगी खाऊं, 12 बजे मैं चिकन चिली खाऊं, शाम को मोमोज खाऊं, रात को चाउमीन खाओ। मेरे प्रियो, वो कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्यों, किसके लिए? अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में से हम कुछ पात्रों को देखेंगे। बाइबल में जो पहला पाप जो आया हवा के द्वारा खाने से, उसके बाद वो चलता चला आ रहा है, आज भी है। देख लीजिए होटल्स में आपको और कोई ज्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी, रेस्टोरेंट ठेले। और मैं कई ऐसे पासवानों को भी देखता हूँ, हमारे पीर पास्टर बिशप प्यारे सतीश जॉन एक बार बात कर रहे थे, मैं जा रहा था उनके साथ, मैंने बताया पास्टर साहब मैंने एक रिसर्च पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स पे, वॉशिंगटन टाइम्स में आया कि अमेरिका में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पाया कि कौन सबसे ज्यादा हेल्दी जीता है, भला चंगा जीता है, लंबी आयु जीता है, 90, 100, 110 साल अमेरिका में। वहां पर कई प्रकार के क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है, अलग अलग डिनोमिनेशन क्रिश्चियन, उन्होंने पाया एक डिनोमिनेशन है जो ये मानता है कि मांस मटन नहीं खाना, मछलियां खा सकते हो, सब्जी भाजी खा सकते हो, मगर मांस मटन नहीं खाना, और वो नहीं खाते। वो सबसे साल 90 साल 100 साल 110 साल जीते हैं। ये अन्य जातियों के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने ये रिसर्च में निकाला। तो हमारे प्रीपासवान कहने लगे, सैमुअल तुम सही बोल रहे हो, मेरे साथ में जो टीपीएम ने मेरे साथ जो पास्टर के रूप में सेवा कर रहे थे, आज इनमें से कोई भी 60 साल तक जी नहीं पाया, उससे पहले गुजर गया है। क्यों? वो अपने शरीर को नियंत्रण में नहीं रख पाए, खाने पीने के चक्कर में। पास्टर के रूप में उन्हें दुगना आदर मिलता, टीपीएम में बहुत विश्वासी लोग पासवानों का आदर करते, खाने के लिए बुलाते, दूसरों को 2 पीस देंगे मटन का, उनको 4-5 पीस देते, पास्टर लोगों को ज्यादा खाना है, उनको खिलाना है, और उससे उनका शरीर, ओ मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गया और वो गुजर गए। मेरे प्रियो, बाइबल में बताते हैं, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय और पहले से लेके 45
वचन तक, वहां पर इसहाक के बारे में बताया गया है। इसहाक बुढ़ा हो गया, आंख उसकी धुंधली हो गई, दिखाई नहीं देने लगा, परंतु मरने से पहले उसकी लालसा, शारीरिक लालसा ऐसी हुई, उसने कहा अपने बेटे से एसाव से, जा जंगल में जाके शिकार करके मांस ला मेरे लिए और मैं तुझे खा के आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रियो, आगे पढ़ेंगे वहां पाएंगे वो इसहाक जो था बुढ़ा था, मगर बुढ़ापे में भी उसकी लालसा मरी नहीं थी, खाने का लालच कर रहे है। हो सकता है उसके दांत टूट गए हो, कमजोर हो गए हो, फिर भी उसको खाना है। हवा का सबसे पहला खाने का फुहार आ रहा है चलता हुआ, और उससे क्या हुआ, इसहाक ने अपने बच्चों को बेटों के बीच में बुराई का, लड़ाई का बीज बो दिया। मेरे प्रियो, वो धोखे का इसहाक शिकार हो गया खाने के लालच से। याकूब ने वो ले लिया, वो खाना पका के आशीर्वाद, झूठ बोल के धोखे से क्यों ऐसा हुआ, इसहाक लालसा में पड़ गया अपने खाने की लालसा में। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आज आप जवान हो, आज कुछ भी खा पी रहे हैं, मगर ध्यान रखिए ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर इसमें रहता है। ऐसा कुछ खाए पिए नहीं, डॉक्टर भी मना करते हैं फास्ट फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए। हमारे घर के सामने डोमिनोज रेस्टोरेंट है, लॉकडाउन नहीं हुआ था, सुबह 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हाउसफुल, अरे लड़के 10th क्लास के, 11th क्लास के, 9th क्लास के, कॉलेज गोइंग वर्किंग कपल, अंकल आंटी बुजुर्ग भी सब खा पी रहे हैं बर्गर, जिससे हाई सॉल्ट ये होता है। आज मेरे प्रियो, ये विषय पवित्र आत्मा कलीसिया को दे रहा है। मैं पिछले दिनों में ऑनलाइन मैंने प्रचार किया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, जहां पर अमेरिका से भी प्रचारक प्रचार करते, अफ्रीका से भी, इंडिया के विभिन्न भागों से, फारीस से भी मैंने इस टॉपिक पर प्रचार किया, द फूड हैबिट्स ऑफ ए बिलीवर, एक विश्वासी का खान पान का तरीका। और वहां के ऑर्गेनाइजर ने लोगों से उनको फीडबैक मिला, बोले ये भाई सैमुअल ने जो विषय में बोला है वो आज हमारी जरूरत है, उसका हमको ओ स्वीकार करना है, अपने पालन करना है। क्या आप रिपीट कर सकते हो संदेश को? मेरे को, मेरे प्रियो, कई साल से मैं कई मैसेजेस दिया कई विषय में, परंतु किसी ने नहीं मुझे बोला कि भाई आप ये वाले विषय को दोबारा बोलिए। परंतु जब मैंने ये बोला, पवित्र आत्मा की बात मांग के, यीशु की बात मांग के, मुझे भी लग रहा था ये अलग टॉपिक है, परंतु आज यीशु चाहते हैं कि आप लंबी आयु जिए, आपके प्रियजन लंबी आयु जिए। मेरे प्रियो, क्योंकि भजन संहिता 91 उसके 16 में क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा, भजन संहिता 91:16 जल्दी से पढ़े, भजन संहिता 91 उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा जी, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमेन। दीर्घायु मतलब लंबी आयु, विद लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू एंड शो यू माय सल्वेशन। यीशु मसीह मेरे प्रियो कितने साल जिए मालूम आपको? केवल 35.5 साल। क्यों? क्यों छोटी उम्र जिए उन्होंने? ताकि हमको लंबी आयु से तृप्त करें। आपके परिवार वालों को, आपके माँ बाप को, आपके रिश्तेदारों, चाचा चाची, मामा मामी, आपके बच्चों को तृप्त करें। मैं एक जगह में था मेरे प्रियो, एक मेरा दोस्त था 26 साल का, और वो क्या बहुत अमीर, उसके पास कई गाड़ियां और कॉन्ट्रैक्ट का काम था। रोज वो घर में खाना नहीं खाता, होटल्स में, जितने भी शहर के होटल्स है वहां खाता, और 26 साल की आयु में उसको डेबिट
डायबिटीज हो गई, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने लगा जवान। क्यों? खाने पर नियंत्रण नहीं रख पाया। एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, क्या क्या जवान हो सकता है आप सोच रहे हैं कुछ भी खा लूं पी लूं। नहीं मेरे प्रियो, ध्यान रखिए ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे साफ स्वच्छ संतुलित रखिए। एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, जो हो सकता है आपके परिवार वाले कैंसर से, ट्यूमर से, बीमारी से, डिप्रेशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर से शिकार हो रहे हैं, हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक आ चुका है। एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे जो आपके लिए प्रतिज्ञा है। हालेलुया, पढ़िए अय्यूब की किताब 5:26। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। आमीन। क्या लिखा हुआ है? पुलियान को, है ना, और आप पूरी आयु में वो तक कब्र में पहुंचेंगे। ब्रदर विलियम, प्रभु कह रहा है मेरे बेटे, मेरी आंटी सिस्टर को बताना, ये वचन पूरा करूंगा। आप लिख लीजिए अय्यूब 5:26, कहता है मेरी बेटी के लिए ये प्रतिज्ञा का वचन है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, बीमारियों से जयवंत करूंगा, परंतु अपने शरीर को, खाने को नियंत्रण में रखिए, आशीष पाएंगे और चंगाई पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे प्रियो। बाइबल में कहता है 3 यूहन्ना 1:2, परमेश्वर की इच्छा क्या है? 3 यूहन्ना 1:2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है जी, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है आप सब भले चंगे रहे। मेरे प्रियो, बाइबल में एक और बड़ी बात, सुंदर बात बताते हैं, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से निकल जा रहे थे प्रतिज्ञा किए हुए देश में, यात्रा मुसाफिर थे वो, और लिखा हुआ है परमेश्वर उनको मन्ना खिला रहा था। मन्ना क्या होता है? स्वर्गदूतों का भोजन। भजन संहिता 78 उसके 25 में लिखा हुआ है, समय नहीं है अब नोट करते जाइए, भजन संहिता 78 उसके 25 में लिखा हुआ है, उन्होंने स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना खाया। और इसराइली लोग किस बात के लिए कुड़कुड़ा रहे थे मालूम है आपको? अगर पढ़ेंगे गिनती की किताब 11वां अध्याय, समय नहीं है इसलिए मैं आपको बताऊंगा वहां क्या लिखा हुआ, 1 वचन से लेकर 13 वचन तक, गिनती की किताब 11वां अध्याय 1 से लेकर 13 वचन तक, वहां लिखा हुआ है इसराइली लोग जब मिस्र की गुलामी में से निकले, परमेश्वर उनको स्वर्गदूतों का भोजन दे रहा था, उनको क्या याद आने लगा? मिस्र में हम मछलियां खाते थे, खीरे खरबूजे खाते थे, प्याज लहसुन खाते थे, वो याद आने लगा, कुड़कुड़ाने लगे। इसके कारण कई लोग मर गए मेरे प्रियो, और वो स्वर्गदूतों का भोजन खाने से परमेश्वर उनको तृप्त कर रहा था, बलवंत कर रहा था। और जानते हैं क्या था? स्वर्गदूतों का परमेश्वर उनको भोजन मन्ना खिला रहा था। बाइबल में पढ़ेंगे भजन संहिता 105:37-37 पढ़ लीजिए, भजन संहिता 105:37। इसराइल को सोना चांदी दिला कर निकाल लाया जी, और उनमें से कोई निर्बल ना था। आमीन। कोई भी निर्बल नहीं था, सोचिए, नन वॉज फीबल, नन वॉज सिक, कोई भी बीमार नहीं था। कितनी भीड़ थी? गिनती की किताब 1:46। गिनती की किताब 1:46 जल्दी पढ़े उसको, गिनती की किताब 1:46। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 603,550 थे।
हमें 6,03,500 पुरुष और उनके बच्चे और पत्नी को मिलाते तो करीब 4-5 लोग एक परिवार में 20-25 लाख की भीड़ थी। कोई भी उसमें से निर्बल नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था, क्योंकि स्वर्ग से उनको स्वर्गदूतों का भोजन मिल रहा था। आज प्रभु कह रहा है मेरी बेटी, मत्ती 4:4 में मैंने कहा है, मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये वचन तेरी रोटी है, उसे खा, तेरी चंगाई का कारण बनेगी, सबसे बेस्ट दवाई है। इसी वचन 4:23 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन सबसे अच्छी मेडिसिन है, दवाई है, उसे रोज पढ़े। मेरे जवानों, मेरे जवान भाइयों बहनों, आप पढ़िए, ये वचन आपको चंगाई देंगे, आपकी निर्बलताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। आज आप होना चाहते हैं ऐसा? कोई, मैं दवाई ले रहा हूं ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, मेरे माँ बाप ले रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ले रहे हैं, हार्ट का उनका ऑपरेशन हो गया, ये किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, मेरे जीओ ईश्वर चाहता है भले चंगे आप रहे। कैसे? अपनी पवित्र आत्मा के मंदिर को, शरीर को साफ स्वच्छ संतुलित करके रखने से। बाइबल बताती है आत्मा के 9 फल हैं। गलतियों की किताब 5:22-23 में हम पढ़ेंगे। गलतियों की किताब 5:22-23 घर में जाके पढ़ लीजिए, कमा दिया हुआ है। 9 फलों में से एक फल है सेल्फ कंट्रोल, संयम, आत्मनियंत्रण करना। आज यीशु मसीह देना चाहता है। हो सकता है आप अपने शरीर की अभिलाषाओं के, हो सकता है मोबाइल का आपके पास अगर एडिक्शन हो, आप कंप्यूटर का गेम्स खेलते हो, कंप्यूटर गेम्स में आपके बच्चे उससे एकदम ओपेंस है, यीशु छुड़ाना चाहता है, यीशु स्वतंत्र करना चाहता है। यूहन्ना 8:32-36 के अनुसार जिसको परमेश्वर यीशु मसीह स्वतंत्र करे, स्वतंत्र हो जाएगा। टोपी पहने हुए भाई, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, यीशु को देख रहे। हालेलुया मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे बच्चों, अपने शरीर को साफ संतुलित, हालेलुया स्वच्छ रखे। आकाश बेटे, प्रभु कह रहा है मैं तुझे विजय दूंगा, हालेलुया I will give you victory over your weaknesses. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे प्रियो, डैनियल नाम का एक जवान था। बाइबल पढ़ेंगे अगर, डैनियल गुलामी में से गुलाम बना के लाया गया बेबीलोन और अन्य जाति राजा के बीच में, और उसे चुन लिया गया ट्रेनिंग के लिए। आज जैसे फिलिस्तीन प्लांट में अगर आप इंजीनियरिंग के पास करेंगे, एमटीटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले वो एमटीटी रहते हैं, वैसे ही राजा का चुना हुआ था। और लिखा हुआ अगर हम पढ़ेंगे बाइबल में डैनियल की किताब 1 अध्याय और उसका 12-13-15 वहां लिखा हुआ है, डैनियल को क्या मिल रहा था मालूम है? राजा का भोजन और दाग मधु मिल रही थी फ्री में। कितने साल तक ट्रेनिंग, कितने साल थी? 3 साल की ट्रेनिंग में मुफ्त में राजा का। मेरे प्रियो, मैं बेबीलोन मतलब इराक है ना, मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूं, मैं जानता हूं वहां के लोग क्या खाते हैं। ऊंट का मटन खाते हैं, भेड़ का मटन खाते हैं, बकरे बकरियों का मटन खाते हैं, बड़े खाने पीने के शौकीन रहते हैं वो, और इतना वो गरिष्ठ खाना खाते हैं। मेरे प्रियो, डैनियल को वैसे ही मांस मटन मिल रहा होगा, परंतु क्या कहता है डैनियल की किताब में, उसने अपने सुपरवाइजर खोजे को बोला कि मुझे केवल साग पात दे दो। और 12वां वचन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है डैनियल क्या कहता है, डैनियल 1 अध्याय 12वां वचन, मैं तुझसे विनती करता हूँ जी कि अपने दासों को
10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साफ पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। ओह क्या हो रहा है डैनियल, क्या बोल रहा है? केवल साफ पात मतलब सब्जी भाजी, उसको मांस मटन मिल रहा था, राजा का भोजन 3 साल तक, डाक मधु मिल रहा है, शराब मिल रही है मुफ्त में। उसने कहा नहीं, मेरे को केवल सब्जी भाजी साफ पात दो और पानी दो। परमेश्वर ने उसके इस समर्पण का, उसके इस निश्चय का आदर किया। बाइबल बताती है पहला सैमुएल 2:30, जो कोई परमेश्वर का आदर करेगा उसका परमेश्वर भी आदर करेंगे। हालेलुया। क्या आप मना करते हो सकता है, आपको लोग प्रसाद देते हो, आपको पीने के लिए देते हो, आप मना करेंगे? यीशु आपका आदर से नो, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आपके दोस्त बोले चलो हमारे साथ फिल्म देखने के लिए, चलो पार्टी में, आप कहे नहीं। यीशु आदर करेगा। डैनियल के साथ किया, डैनियल का क्या हुआ? 15 वचन पढ़ेंगे, डैनियल पहला अध्याय 15 वचन। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। मेरे प्रियो क्या हुआ अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम, मिराकल, चमत्कार कि मांस मटन दाग मधु पीने वालों से ज्यादा साग पात और पानी पीने वाला डैनियल, उसका चेहरे अच्छे और चिकने चमक रहे थे। हालेलुया। और मेरे प्रियो जितने भी लोग ट्रेनिंग में थे, हो सकता है 100-200 ट्रेनिंग में हो, उसमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमान डैनियल को परमेश्वर ने बना दिया। आप चमकेंगे। अब हो सकता है छोटी सी जगह में एक ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो, एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रहे हो। याद रखिए, ओ आप जैसे भी है, जिस जगह में भी है, अगर आप परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे, आपका वचन आपको आदर करेगा। मेरे प्रियो वचन आदर करेगा। मेरे जवानों क्या आप वचन का आदर करने को तैयार है? डैनियल के समान एक गुलाम में से वो प्रेसिडेंट बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उस सन्य जाति राजा राज्य में नबूकदनेस्सर उस पर दंडवत करने लगा, उसको इनाम देने लगा। सुलोचना बहन क्या आज आप परमेश्वर के लिए ऐसा प्रण लेगी कि मैं तेरे लिए विश्वास योग्य बनी रहूंगी? परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। आपकी निर्बलताएं दूर होगी। प्रभु कह रहा है मेरी बेटी ये वचनों को खा जा, ओ जीवित रहेगी, आशीष रहेगी, आशीषित रहेगी। हालेलुया। परीक्षण की रहेगी। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा कह रहा है ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म मेल और पवित्र आत्मा में आनंद है। रोमियों की किताब 14:17 में ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो कई लोगों ने जानते हैं, अभी आदम ने हवा ने बात किया खाने का, उसके बाद इसहाक ने किया, उसके बाद क्या किया एसाव ने भी बात किया। एसाव को पढ़ेंगे तो थक के आया एक बार, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय 29 से 34 तक घर में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है एसाव जब शिकार करके आया बड़ा थक गया था, उसने याकूब से कहा अपने छोटे भाई से, वो खाना बना रहा था रोटी और एक कटोरी मसूर की दाल, उसने कहा दे दो मुझको, तो याकूब ने कहा अपना पहलौटे का अधिकार बेच दे, उसने बेच दिया खाने का लालच। आज फिलिपियों 3:19 का 19वां वचन वहां लिखा हुआ है, फिलिपियों की किताब 3:19। कई लोगों ने पेट को भगवान बना लिया है, बड़ा दुख लगता है, ईश्वर अपने पेट को बना लिया है। नीति वचन 23 और उसका 21 और 22 में भी हम पढ़ते हैं, 20 और 21 में जो पेटू है वो दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे,
दात मधु के पीने वाले, शराब मदिरा पान करने वाले, मेरे प्रियो अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर जान के पवित्र रखिए। आज क्या होता है मेरे प्रियो, लोग खाने के लालच में कोई भी काम कर जाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे एसाव के बारे में, इब्रानियों की किताब उसका 12:16-17 वहां दिया हुआ है कि ऐसा ना हो कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। क्या आज आप बेच डाले हैं? कई लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं रोज, कई उद्घाटन है, कहां दुकान है, वो शोरूम है, बिना बुलाए पहुंचाते हैं। शादियों पार्टी चर्चेस की मीटिंग में क्या हो रहा है? एक एक व्यक्ति खाने को बर्बाद कर देता है मेरे प्रियो। यीशु नहीं चाहता कोई भी खाने को बर्बाद करे। एक बड़ा सुंदर वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 12:6 और उसका 12 वचन। यूहन्ना की किताब 6:12 वहां लिखा हुआ है, जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। मेरे प्रियो यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली को हजारों को खिला रहे थे, परंतु उनको दुख लगा, बोला जो बचा हुआ है उसको बटोर लो 12 टोकरी, और यीशु क्या कह रहे, कुछ फेंका ना जाए। नथिंग शुड बी वेस्टेड। मैंने कई बार देखा चर्च की मीटिंग्स में लोग फेंक देते हैं, चावल को फेंक देते हैं और करी को फेंक देते हैं, एक एक जन खूब खा लेता है। नहीं मेरे प्रिय, अपने शरीर पर नियंत्रण रखिए, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, आइए खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। परमेश्वर की आत्मा आपको संतुलित करने के लिए, संयमित करने के लिए मंडला रही है। पौलुस के समान आंखें बंद कीजिए, पौलुस के समान कहे 1 कुरिन्थियों 6:12-13, मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, ओ पेट के अधीन नहीं रहूंगा, खाने के अधीन नहीं रहूंगा। यदि आज आप खा लेते हैं, किसी शादी में बुलाया जाए, नियंत्रण स्वीकार करे, यीशु से कहे, यीशु मैं अपनी देह को पवित्र रखना चाहता हूं, ओ जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना चाहता हूं, मुझे स्वीकार कर, मेरी आदतों को बदल दे। हो सकता है आपको चाय कॉफी मिठाई खाने की आदत हो, आज यीशु मसीह आजाद करेगा, आजाद करेगा, आजाद करेगा मेरे प्रियो। ऐसा ना करे, खाने को तो अपना ईश्वर ना बनाए, यीशु की सामर्थ मंडला रही है। हालेलुया, यीशु की सामर्थ मंडला रही है क्रूस। हालेलुया, क्रूस पर उस बार रख दे, क्रूस पर उस बार रख दे, वो ही अकेला तुझे बचा लेगा, क्रूस पर सारे को दे। सी द लैम्ब ऑफ गॉड ऑन द क्रॉस, सी द लैम्ब ऑफ गॉड ऑन द क्रॉस, ही अलोन विल से यू प्रोमोस हिम, सी द लैम्ब ऑफ गॉड ऑन द क्रॉस। प्यारे यीशु, हम आपके प्रिय सेवा पास्टर राजकुमार के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके शरीर में, उनके पीठ में जो भी निर्बलता है पिता, आपने कोड़े खाए हैं, उन्हें छू लीजिए। हम कलीसिया के रूप में प्रार्थना करते आपसे चंगाई मांगते हैं, यीशु छू। हालेलुया। मेरे भाई बहन जितने भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, उनकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ओवरवेट है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आज यीशु की सामर्थ उनके खून को सारा शक्कर दूर कर दे, नॉर्मल हो जाए ब्लड प्रेशर। हालेलुया,
गांठें पिघल जाए, सूजन दूर हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आप अपने प्यारे हाथों को रखकर सबको आशीष दीजिए। यीशु के सामर्थी अद्भुत चंगाई भरे चमत्कारी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग अंतिम आशीष ग्रहण करेंगे।